नमस्कार, न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बेंगलुरु में हो रही विपक्षी पार्टियों की बैठक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता की इच्छुक नहीं है और न ही प्रधानमंत्री पद की। यह बैठक हमारे संविधान, लोकतंत्र, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए है। खड़गे ने कहा कि हम मानते हैं कि हमारे बीच राज्य स्तर पर कुछ मतभेद हैं, लेकिन यह मतभेद इतने बड़े भी नहीं हैं कि आम आदमी, गरीब, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए हम इन्हें भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हो रही विपक्ष की बैठक को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा, भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। ये जो जमात इकट्ठी हुई है, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। 2024 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है कि ये लोग गा कुछ रहे हैं, हाल कुछ है, लेबल कुछ है और माल कुछ है। बेंगलुरु में जहां विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी मंगलवार को दिल्ली में एनडीए में शामिल दलों की मीटिंग बुलाई। एनडीए की मीटिंग की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि एनडीए की मीटिंग में 38 पार्टियां शामिल हुई, जो विपक्ष की बैठक में शामिल पार्टियों की संख्या से 12 ज्यादा है। मोदी सरनेम मामले में सजा पाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है। कोर्ट ने कहा है कि वह 21 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने इस मामले में मानहानि का दोषी पाया था और 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के खिलाफ राहुल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अदानी समूह के मुखिया गौतम अदानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बयान जारी कर गंभीर आरोप लगाए हैं। अदानी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट भ्रामक और निराधार आरोपों पर आधारित थी। रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए वो 2004 से 2015 के बीच के थे और उन्हें उस समय संबंधित अथॉरिटी ने सही कर लिया था। यह रिपोर्ट जानबूझकर हमारी छवि खराब करने की कोशिश थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में साल 2019 से ही प्रतिबंधित ई सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजकर उत्पादों का विज्ञापन और बिक्री बंद करने का निर्देश दिया है। जिन 15 वेबसाइटों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें से 4 ने इसका परिचालन बंद भी कर दिया गया है। जिन्होंने नोटिस पर अमल नहीं किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि सेंथिल बालाजी की पत्नी मेघाला ने मद्रास हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सेंथिल बालाजी की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था, जिसके बाद मेघाला ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। भारतीय सेना ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पुलिस के साथ चलाए ऑपरेशन के बाद हुई मुठभेड़ में 4 चरमपंथी मारे गए। आतंकवादियों के पास से 4 AK-47 राइफल्स, 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ के सिंघारा में ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का 79 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमान चांडी 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। काफ़ी वक्त से ओमान चांडी की तबीयत खराब थी और वो इलाज के लिए इन दिनों बेंगलुरु में रह रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दलों के नेताओं ने ओमान चांडी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है। इसकी बड़ी वजह लागत बताई जा रही है। विक्टोरिया के प्रमुख डेनियल एंड्रयूज ने कहा कि खेलों के आयोजन के लिए शुरुआत में अनुमानित राशि 2 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आंकी गई थी, लेकिन हकीकत यह है कि इन खेलों की मेजबानी के लिए लगभग 7 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की ज़रूरत होगी, जो बहुत ज़्यादा है।